ज्यादातर अपराधियों ने अपनी जमानतें तुड़वा करके जेल में चले गए और अब तो कह रहे हैं भैया हमें जेल में ही मत भेजो। उत्तर प्रदेश में अपराध पर योगी का हंटर ऐसा चला कि गुंडे माफिया की शामत आ गई। कभी सियासी रसूख के दम पर तांडव मचाने वाले अब अपनी जान की भीख मांग रहे। जब सरकार ने कहा नहीं जीरो टॉलरेंस पर चलेंगे, या तो अपराध करना बंद करो और अपराध करोगे तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो, तो ज्यादातर अपराधियों ने अपनी जमानतें तुड़वा करके जेल में चले गए और अब तो कह रहे हैं भैया हमें जेल में ही मत भेजो। अब वहां भी जाने से भाग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दंगा पॉलिसी और कर्फ्यू की पॉलिसी को जो प्रदेश झेला हो, उस प्रदेश में अब दंगा नहीं चलेगा, कर्फ्यू नहीं चलेगा, वह प्रदेश अब उपद्रव बर्दाश्त नहीं करेगा। यूपी की 80 सीटों पर कमल खिलाने के लिए योगी अपने मास्टर प्लान पर काम कर रहे हैं। सियासी दावपेच अपनी जगह, मगर योगी का सबसे बड़ा एजेंडा है जनता की सुरक्षा, और तभी तो अपनी हर सभा में वो अपराध पर लगाम लगाने का मुद्दा उठाते हैं। योगी के सख्त एक्शन से ही अब यूपी अपराधियों की कब्रगाह बनता जा रहा है, इस पर मोहर केंद्रीय गृह मंत्री भी लगा रहे हैं। आपने 2017 में भाजपा की सरकार बनाई, योगी सरकार ने यहाँ पर गुंडों का आतंक बनकर कर यहाँ पलायन रोका है। अब उत्तर प्रदेश से गुंडे पलायन करने लगे हैं। योगीराज में अपराधी यूपी छोड़ रहे हैं, जो बचे हैं वो भी जेल जाने से डर रहे हैं, मगर वोट बैंक की सियासत करने वाले नेता अपराधियों के घर जाने से भी नहीं डरते। इसका सबूत है ये दो तस्वीरें। माफिया मुख्तार अंसारी के घर ओवैसी पहुंचे तो अखिलेश के भाई धर्मेंद्र यादव ने भी हाजिरी लगाई। हम दोनों से मुकाबला करेंगे, एनडीए से भी कर बीजेपी से भी करेंगे, और जो भी हमारे खिलाफ अपोनेंट होगा हमारे पीडीएम खिलाफ उससे मुकाबला करेंगे। डॉन के घर दस्तक देने के पीछे है यूपी में मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स, खासकर पूर्वांचल में जहां से कुल 26 सीटें आती हैं और मुख्तार परिवार का वहां खासा असर है। लेकिन योगी विरोधी पूरे यूपी में ही मुसलमान वोटों पर आश्रित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यूपी में करीब 20% मुस्लिम आबादी है, 36 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर प्रभावी है, 18 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक है, यानी 30-50% मुस्लिम हार जीत तय करते हैं। और इसी वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए कांग्रेस, अखिलेश और अब ओवैसी में लड़ाई छिड़ी है। ओवैसी ने पीडीएम बनाकर सपा के MY समीकरण के लिए चुनौती दे दी। मुसलमानों को साथ लाने के लिए कांग्रेस भी इफ्तार पार्टी कर रही है, मगर मुसलमान राहुल गांधी पर उनके मुद्दे नहीं उठाने का दावा कर रहे हैं। तभी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खत लिखकर राहुल को खुलकर उनका साथ देने की अपील की है। लोकतंत्र में आरोप लगाना या किसी के बारे में कुछ कहना ये बहुत आसान होता है, पर जिसके से राहुल जी ने सबकी बात की है, चाहे मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई, सबकी सर्व समाज की बात की है, खासकर के माइनॉरिटी की जो बात है, आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी हमारी कांग्रेस पार्टी ने सबके लिए सोचा है, सबके लिए काम किया है। जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने के बारे में सोचते हैं, उन लोगों को भी टुकड़े टुकड़े गैंग को भी अपनी पार्टी में शामिल कराते हैं, उनको प्रवक्ता बनाते हैं, और यही नहीं आज कहते हैं अगर बीजेपी फिर आ जाएगी तो भारत में आग लग जाएगी, टुकड़े टुकड़े से आग तक आ गई। मैं देखिए ये लोग कैसे भय पैदा करते हैं। सेक्युलर बनने के चक्कर में राहुल गांधी समेत विपक्ष ने राम मंदिर से दूरी बनाई, अब मुसलमान भी उन्हें अपना रहनुमा मानने से इनकार कर रहे हैं। वैसे ही योगी को हराने के लिए एक मुश्त मुस्लिम वोटों की चाहत रखने वाले विपक्ष में ही दो खेमे बन चुके हैं। तुष्टीकरण प्लान पर काम कर रहे राहुल और अखिलेश के पीडीए के सामने ओवैसी और पल्लवी पटेल के पीडीएम से मुस्लिम वोटों का बंटना तय है। तो क्या यूपी का तीसरा मोर्चा भी योगी की 80 जिताओ वाली राह को आसान कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ महाभारत में इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ ममता काले जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, जुड़ रही हैं हमारे साथ स्टूडियो से, डॉक्टर अजीज खान राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ दानिश कुरैशी साहब हैं प्रवक्ता हैं AIMIM के, और दुष्यंत नागर जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं एक बार सीधे पूछना चाह रही हूँ शिवम, आपको लग रहा है कि क्या यूपी में लड़ाई राम मंदिर नहीं जाएंगे लेकिन इफ्तार पार्टी करवाएंगे वाली हो गई है, और वो इसलिए क्योंकि ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, आप वहां भी नहीं गए और यहां जहां जा रहे हैं वहां भी भरोसा नहीं है कि वोट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा?
सुचारिता जी, मुझे लगता है कि ये राजनीति हमेशा से उत्तर प्रदेश में रही है। 90 के दशक से जब से समाजवादी पार्टी आई है, खास तौर पर इन लोगों ने तो खुलकर ही इस चीज को कहा है, और जिस तरह की राजनीति रही है कांग्रेस की वो भी ये देश जानता है। लेकिन स्पेशली अगर अब की बात करें, जिस तरीके से 2017 के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने कानून व्यवस्था को लेकर चीजें बेहतर की, लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा पहले हिंदू विरोध में रही, फिर माफियाओं के साथ रही, और आज तो स्थिति ये है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर भी अगर बना तो उसका भी विरोध किया, लेकिन आज तमाम तरह से अगर मैं देखूं तो विरोध नजर नहीं आ रहा है। आप मुझे एक चीज बताइए, लगातार भारतीय जनता पार्टी और ये पूरा देश उनसे पूछता रहा कि जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो तब आप कहां थे, नहीं हम आज नहीं जाएंगे, कल नहीं जाएंगे, परसों जाएंगे, ऐसे जाएंगे, वैसे जाएंगे, लेकिन आज खुलकर इफ्तारी करा रहे, कराइए, हमें कोई परेशानी नहीं है इस बात की। लेकिन जब आप अपने आप को लोकतंत्र में एक ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी के तौर पर स्थापित करते हैं तो जनता भी कहीं ना कहीं देखती है। और आपने कहा कि राम के साथ और राम विरोधी वाली जो विचारधारा है उसकी लड़ाई है, बिल्कुल है। आप पूछ लीजिए एसपी प्रवक्ता से कि अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हम जाएंगे, कब गए राम मंदिर, या उन्होंने सोचा भी, लेकिन आज देखिए किस तरह की स्थिति है। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही जिस तरीके से स्थितियां बनी उस प्रदेश में, जिस तरीके से शांति बहाली हुई, जिस तरीके से चीजें बेहतर हैं, उसको देखते हुए चाहे वो कितना भी ईडीए पीडीए कुछ भी बना ले, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि जनता जिस तरीके का सुकून, शांति और उत्तर प्रदेश में एक बेहतर कानून व्यवस्था देख रही है, आने वाले समय में उनका कोई चांस है नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ अगर मैं कैंडिडेट्स की बात करूं तो वहां पर भी स्थितियां खराब हैं, कैंडिडेट्स डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आए दिन तमाम तरह की परेशानी होती है। मुझे लगता है पूरे तरीके से कंफ्यूज है और शायद कोई स्ट्रैटेजी बना पाते, लेकिन आज ऐसी स्थिति है नहीं उनकी। मैं एक बार फिर कहना चाहती हूँ अजीज खान साहब, इफ्तार पार्टी में जाने पर किसी का कोई सवाल नहीं, लेकिन सवाल तब उठते हैं जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आप नहीं जाते हैं और यहाँ बड़े बड़े इफ्तार पार्टी के आयोजन आप कराते हैं। मैं सवाल आपसे सीधा पूछूंगी अजीज खान साहब, क्या आपके MY पर बीजेपी का MY यानी मोदी योगी भारी पड़ रहा है? देखिए सुचिता जी, दो तीन बातें करना चाहूंगा मैं। पहले तो इस मुल्क की जो खूबसूरती है उसको बरकरार रखने के लिए समाजवादी पार्टी ने हमेशा आगे कदम बढ़ाया है, और मैं कहना चाहूँगा कि जो समाजवादी पार्टी की जो सोच है उस सोच को मैं दर्शाना चाहूँगा कि मस्जिद की अजा हो या शिवालय का सजर हो, अपनी तो ये हसरत है किसी तरह शहर हो। देखिए हम अमन चैन की बात करना चाहते हैं, हम अमन चैन की बात करते हैं, हम चाहते हैं इस मुल्क में आपसी इत्तेहाद हो। अब ये कह रहे हैं साहब कि इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं, अरे भाई क्या बुराई इफ्तार पार्टी में जाने में? नहीं मैंने तो शुरू में ही कहा बिल्कुल जाना चाहिए, नहीं नहीं मैंने कोई बुराई नहीं है इसमें, कि उसमें कोई हम तो हिंदू और मुसलमान। अब सुनिए मेरी बात, अरे सुनिए, अरे कंप्लीट, आप बोलिए बोलिए बोलिए, अरे सुन लेना, सुने ना मेरी बात, सुनिए ना, बिल्कुल जाना चाहिए और सभी धर्म जात का सम्मान करना चाहिए, यही इस मुल्क की खूबसूरती है। एक बात आप कह रहे हैं साहब, MY फैक्टर समाजवादी पार्टी का, बीजेपी के MY, आपका MY थोड़ी है, आपका तो आई है, आई क्या है, मोदी योगी नहीं है, आई, आई माने मैं, सिर्फ तानाशाह, सिर्फ तानाशाह, तो जहां तानाशाही है वहां MY नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिए। MY जब V होता तब समझ में आता कि आप वाकई में इस मुल्क के बारे में सोचते हैं, आपके अंदर कहीं ना कहीं मैं की भावना है, आई की भावना है, एक बात आप समझिए। तानाशाही दूसरी बात में कहना चाहूंगा, क्या साहब कह रहे हैं साहब, वहां पे गए यहां पे गए, राम मंदिर नहीं था, किसी की मिट्टी आपकी इस इंक्लूसिव सोच में इफ्तार पार्टियां तो सही हैं लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, तो वो इंक्लूसिव कैसे हो गया जरा मुझे समझाएंगे, क्योंकि मैं तो समझ नहीं पा रही हूं उसे, ये इंक्लूसिवनेस कैसे है? देखिए सुचिता जी, हमारे नेता धार्मिक हैं और इनसे ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, बीजेपी के लोग सिर्फ पाखंड करते हैं, कैमरे पे पाखंड करते हैं, हमारे नेता उसको सार्वजनिक मंच पर पूजा पाठ नहीं करते, कैमरा लेकर ले जाकर के पूजा पाठ नहीं करते, एक बात आप समझिए। ये अपने आप को दिखाते हैं कि मैं बड़ा हिंदू, अरे भाई आप काहे का हिंदू, आप इस देश में नफरत की बात करते हो, हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई पैदा करते हो, नफरत की बीज बोते हो, आप अपने आप को सनातन कहते हो, आप कहते हो मैं हिंदू, हिंदू कभी भी सनातन कभी भी आपस में भाईचारे को दूर नहीं करता, वो आपस में इकट्ठा करता है लोगों को, मोहब्बत की बात करता है, आप तो मोहब्बत की बात करते नहीं है, आप तो नफरत की बात करते हैं, आप कहां भाईचारे की बात करेंगे। एक बात
आप कंप्लीट करने दीजिए। आप कह रहे हैं कि राम मंदिर, मैं कह रहा हूं देखिए हमारे नेता बिल्कुल जाएंगे राम मंदिर में, जाएंगे दर्शन करने जाएंगे, ये बीजेपी के कहने से नहीं जाएंगे, ये उनकी आस्था है और बिल्कुल जाएंगे।